मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी तुझको हाय लगेगा, मोदी तुझको हाय लगेगा, मोदी तुझको हाय लगेगा। दोस्तों, क्या मोदी सरकार के खिलाफ हर वर्ग के लोग अब आवाज उठाने लगे हैं? क्या महंगाई बेरोजगारी से जनता बेहाल हो गई है? क्या नौजवान से लेकर महिला बच्चे सब मोदी का विरोध कर रहे हैं? क्या अब देश का किन्नर समाज भी मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतर चुका है? वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स का दावा है कि मोदी के खिलाफ किन्नर समाज सड़कों पर उतरकर मोदी तुझको हाय लगेगी, मोदी हटाओ देश बचाओ जो है नारा लगाया जा रहा है इस वीडियो में। जी हाँ, ऐसे ही कुछ आवाज़ आ रही है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी तुझको हाय लगेगी। ज़बरदस्त तरीके से किन्नर समाज के द्वारा जो है, जो वीडियो में दिखाई दी जा रही है, वो ऐसा विरोध कर रहे हैं इस वीडियो की। दोस्तों, हालांकि हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन वायरल वीडियो जो सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है उसको लेकर हम आपको बता रहे हैं कि इस वीडियो को लेकर किस तरीके से जो है लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि इस वीडियो को यूज़र शेयर करते हुए लिखते हैं कि अब अंधभक्त इसे भी खालिस्तानी बोल देंगे, जो जो विरोध करता है उसे खालिस्तानी पाकिस्तानी करार दिया जाता है। तो इस तरीके से इसी वीडियो पर जो है यूज़र्स क्या रिएक्शन दे रहे हैं वो देखिए। एक यूज़र दोस्तों मनोज अम्बेडकर नाम के, वो इस वीडियो पर कमेंट करके लिखते हैं कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो ऐसे तमाम जो कमेंट्स है इस वीडियो पे आ रहे हैं कि अब जो है देश को जागने की ज़रूरत है, अब जो है इस सरकार को फेंकने की ज़रूरत है, अब इस सरकार से जो है जनता त्रस्त हो चुकी है, अब जनता को इस सरकार की ज़रूरत नहीं है, जो जो वादे किए गए थे वो कोई वादे जनता के पूरे ही नहीं हुए, बस वोट ले लिया गया और उसके बाद जीत के जश्न में ये लोग ऐसे डूबे कि जनता का सुख दुख जो है वो भूल बैठे। जनता कितनी ज़्यादा त्रस्त है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, हर एक चीज़ से परेशान है, चाहे वो सिलेंडर के दाम हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो, हर तरफ महंगाई का ऐसा मार मारा गया है जिस वजह से जनता के द्वारा ऐसी ऐसी आवाज़ उठाई जानी शुरू कर दी गई है। दोस्तों, कमेंट करके बताया जा रहा है कि अब हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, इस सरकार से हमें छुटकारा चाहिए, छुटकारा ही एकमात्र विकल्प है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।